और बात करते हैं अब राज्यसभा की, क्योंकि कश्मीर को लेकर राज्यसभा के अंदर कई जानकारियां दी गई हैं और वो जानकारी आपको बतानी बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि घाटी के 610 कश्मीरी पंडितों को उनकी संपत्तियां लौटाई गई है और राज्यसभा में सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है। जम्मू कश्मीर में रोजगार को लेकर भी जानकारी दी गई कि 4,05,000 युवाओं को रोजगार मिलने की अभी संभावना है और जम्मू कश्मीर में 50% तक आतंकी हमले कम हुए हैं। ये दरअसल सरकार कहती है सदन के अंदर, ये सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है और खबर बड़ी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त खबर क्या है। जानकारी बड़ी है क्योंकि घाटी में कश्मीरी पंडितों को लेकर भी जानकारी दी गई है, आतंकवादी घटनाओं को लेकर भी जानकारी दी गई है और साथ ही साथ अगर हम बात करें युवाओं को रोजगार देने को लेकर, तो युवाओं को रोजगार देने को लेकर भी बातचीत की गई है। पर क्या वाकई जो कहा जा रहा है वो सच है? क्योंकि एक आंकड़ा रखा गया है एक प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा के अंदर सरकार की तरफ से, और ये कहा जाता है कि जो सरकार ने पूरी जो जानकारी दी है वो बिल्कुल पुख्ता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कहा जाता है कि आगे आने वाले समय में और भी कश्मीरी पंडितों को उनकी संपत्ति को लौटाया जाएगा। हालांकि राज्यसभा में ये भी जानकारी दी गई है कि अभी हाल फिलहाल में 4,05,000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है क्योंकि निवेश इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहा है। पर क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? लेकिन जब आतंकवादी घटनाओं की बात करते हैं तो उसको लेकर भी ये कहा गया है कि 50% तक आतंकी हमले कम हुए हैं। फिलहाल राज्यसभा के अंदर क्या कुछ कहा गया है सबसे पहले वो आप सुनिएगा, उसके बाद सीधे अपने संवाददाता का रुख करेंगे, सहयोगी हमें बताएंगे कि वाकई जो सच्चाई है वो यही है। लेकिन सुनिए राज्यसभा के अंदर क्या कुछ कहा गया है सरकार की तरफ से। जिन लोगों ने कश्मीर फाइल नहीं देखा है कम से कम इस उत्तर को देख ले तो पता चलेगा जम्मू कश्मीर का कितना डेवलपमेंट हुआ है। मेरा एक प्रश्न है मंत्री जी से कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, अब तक का डेवलपमेंट वहां पर अर्बन सेंट्रिक था, इस डेवलपमेंट से डोडा से लेकर बारामुल्ला तक आम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें आम लोगों तक, गांव के लोगों तक कितना लाभ पहुंचा है? धन्यवाद महोदय, बहुत ही अच्छा सवाल किया है माननीय राकेश सिन्हा जी ने। मोदी सरकार परिणाम देने वाली सरकार है। मोदी सरकार जो करती है वही कहती है और जो कहती है वही करती भी है। कितने सुखद परिणाम आए हैं, परिणाम प्लीज बहुत चर्चा होती है रोजगार की। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में लगभग 51 लाख रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, 51 हजार करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं जो वहां के नौजवानों को रोजगार देने में बहुत ही ज्यादा सार्थक है। 4,50,000 लोगों से अधिक को रोजगार का अवसर प्राप्त होने की संभावना है। 2019 से अभी तक 26,303 पदों की पहचान की गई है जिसमें 11,324 राजपत्रित कर्मचारी और अराजपत्रित कर्मचारी और फोर्थ क्लास के पदों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है, शेष रिक्तियों की प्रक्रिया जारी है। तेज सड़क निर्माण के फलस्वरूप दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ी है। 2019 के पहले सड़कों का निर्माण का औसत 6.54 किलोमीटर प्रतिदिन था जो बढ़कर अब वर्तमान में 20.68 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है। 1,000 से अधिक आबादी की बस्ती सड़क से जुड़ गए हैं और 2023 तक 500 आबादी वाली बस्तियां भी अधिकांश रूप में जुड़ जाएगी। सब महोदय एक मिनट, कितना प्रभाव पड़ा है? काजी कुंड बनिहाल सुरंग के निर्माण से अब श्रीनगर से जम्मू की यात्रा जो पहले 10 घंटे में पूरी होती थी अब 5 घंटे 50 मिनट में पूरी कर ली जाएगी। बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण 24 घंटे बिजली की उपलब्धता देने में सफल हो रहे हैं। आईआईटी और आईआईएम प्रारंभ होने से जम्मू कश्मीर के हजारों विद्यार्थी आज तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 2 नए M7 मेडिकल कॉलेज, 2 राज कैंसर अस्पताल तथा 15 नर्सिंग कॉलेजों के निर्माण का प्रारंभ हो गया है। राजकीय डिग्री कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 96 से बढ़कर 147 हो गई है। इसमें जम्मू कश्मीर के हजारों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। घरों से टैप पहले 31
घरों में टैप मीटर कनेक्शन से बस आधा मिनट सर, बहुत 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 बड़ा सवाल उन्होंने पूछा है। आगे आगे और सवाल हमको लेने हैं। पंचायती राज का चुनाव हुआ है, सवाल लेने हैं। जिससे सरकार हुआ है, राजगार के अंतर्गत काफी रिप्लाई मिल जाए पड़ा था। वहाँ के लोगों के मंदिरों को ध्वस्त किया गया, जमीन छीन ली गई। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि 2019 के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आधारभूत परिवर्तन हुआ जिसके कारण विकास हो रहा है, इस दौर में कितने हिंदुओं की जमीन और कितने मंदिरों की जो जमीन संपत्ति, जब मंदिर ध्वस्त किया गया था उस जमीन को रिस्टोर करना, उनको चिन्हित करना, उस पर अधिकार दिलाने की कोशिश की गई। महोदय, जम्मू और कश्मीर में संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट प्रवासियों की अचल संपत्तियों के कानूनी अभिरक्षक हैं। जम्मू कश्मीर के प्रवासियों की शिकायतों के समाधान के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने दिनांक 7/9/2021 को एक पोर्टल की शुरुआत किया है। जिन जिन पर जुर्म ढाए गए हैं, अत्याचार अनाचार के कारण जो घाटी छोड़कर आए हैं, जिनकी जिनकी संपत्तियां जबरन ले ली गई है, मोदी जी की सरकार है और गृह मंत्री जी सब वैसी संपत्तियों को वापस करने में भी सक्षम है, लगातार प्रयासरत है। जिनकी शिकायत सही होगी उनकी एक एक कर जमीन वापस की जाएगी। और अभी तक 610 आवेदकों की संपत्ति वापस की गई। मैं प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि 5 अगस्त 2019 जब जम्मू कश्मीर की रियासत उन्होंने वापस ली है गवर्नमेंट ने, और जब उनका स्टेटहुड चला गया है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हिंदुस्तान में एक नंबर की बेरोजगारी है सर, 17.5% रजनी जी, सवाल पूछिए। डेवलपमेंट के जो वादे करते हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, इन्होंने बाहर के लोगों को दिया है, वहाँ के लोकल लोगों को इन्वॉल्व करने का मंत्री जी का कोई इरादा है क्या? धन्यवाद। महोदय, उन्होंने जो प्रश्न किया है और उन्होंने कहा कि जोर जोर से बोलते हैं, अगर धीमी आवाज से सुनना चाहे तो मैं बहुत धीरे धीरे बोल कर जवाब समझाना भी चाहूँ। जवाब दे। जम्मू कश्मीर संघराज्य के विभिन्न विभागों के कारण 26,630 पदों की पहचान की गई है, और इन भर्तियों की प्रक्रिया भी, जिसको मैं पहले भी बोला हूँ और उसको मैं दोहरा रहा हूँ, और मैं चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों की विभिन्न स्वरोजगार योजना के तहत 1,37,837 व्यक्तियों को कवर किया गया है। परामर्शी एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विशेष भर्ती नियम बनाए गए हैं, तथा विभिन्न विभागीय नियमों में संशोधन भी किया गया है ताकि रोजगार के अवसर शीघ्र ही प्राप्त हो। रोजगार मुहैया कराने के लिए रोजगार पोर्टल बनाया गया है। बेरोजगार व्यक्तियों को विभिन्न पदों की उपलब्धता के बारे में जागरूक करने के लिए जिला स्तरों पर नियमित रूप से काउंसलिंग और ई काउंसलिंग सेक्शन भी स्थापित किए गए। हर प्रकार से व्यापक रोजगार के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए मॉडल कैरियर सेंटरों की स्थापना की गई है, तथा रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। महोदय, मैं इसलिए इसकी चर्चा किया कि इन सब कारणों से जो वह कह रहे हैं वह असत है, और जो उत्तर में दिया गया है यही सत्य है। रोजगार बढ़ा है, स्वरोजगार बढ़ा है, लोगों के मन में विश्वास जगा है, विकास भी हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, प्रियंका जी प्लीज प्रियंका जी के सवाल प्लीज। मैंने स्पेसिफिकली कहा था कश्मीरी पंडित्स का कितने जॉब्स लगे हैं, 3,000 जॉब प्रॉमिस किए थे, और मैंने, उन्होंने जवाब कश्मीरी पंडित नहीं कहा है, उनको कश्मीरी माइग्रेंट्स कहा है। कब कश्मीरी पंडितों को माइग्रेंट्स का जो लेबल दिया हुआ है ये कब खत्म होगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ। थैंक यू महोदय, मैं तो और संशोधित करना चाहता हूँ, मैं तो हिंदू कश्मीरी पंडित कह रहा हूँ, हिंदू कश्मीरी पंडित। प्लेज। और मैंने उत्तर में पहले भी दिया हूँ कि जो लोग वहाँ जाना चाहे हैं उनके लिए हम वहाँ आवास भी बना रहे हैं। अब तक जो वहाँ नौकरियाँ दी गई है कश्मीरी पंडितों को, मैं उसको दे रहा हूँ, लगभग वह
अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि सही आंकड़ा देना चाहता हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अब तक की गई नियुक्तियों की संख्या 2000 कश्मीरी पंडितों की कहते हैं, जो किसी न किसी प्रकार वहाँ से भगाए गए थे, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। 2020 और 21 में 841 और 2021-22 में 1264 ऐसे लोगों को नौकरियां दी गई है, और उनके पास कोई नौकरियां लेने के चाहते हैं जो पुनर्वास है उनको सरकार देने के लिए तैयार। तो सवालों की बौछार की जा रही थी, लेकिन जवाब भी एक एक करके मिल रहा था। अब क्या वाकई ये जवाब सही है? उसके लिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने सीनियर साथी सनम एजाज का। वो बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कश्मीरी पंडितों के बारे में कहा गया है, जो रोजगार के बारे में कहा गया है, जो निवेश के बारे में किया गया है, वो सच है या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सनम हमारे साथ जुड़ने के लिए, गुलिस्तान न्यूज पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। क्या कहेंगे आप, क्योंकि एक ब्यौरा पूरी तरीके से दिया गया है, हालांकि बहुत लंबी चौड़ी लाइनें थी, एक एक करके बात बताई गई है, और वो दर्शकों को सुनवाना जरूरी था, आपको थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन क्या वाकई जमीनी स्तर पर हालात वही हैं जो सरकार बताने की कोशिश कर रही है? सनम देखिए, ये सदन में है, राज्यसभा में ये सब कुछ जवाब दिए गए, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इस पे गलती नहीं हो सकती है। लेकिन अगर कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन देखी जाए, इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन में अगर आम आदमी से पूछा जाए तो वो इससे सहमत नजर नहीं आएगा। कश्मीर में आम आदमी पंडितों के विकास के लिए, पंडित बरादरी की वापसी के लिए कोई उतने बड़े प्रयास नहीं देखे जा रहे। माना कुछ लोगों को, पंडित बरादरी के कुछ लोगों को नौकरी दी गई है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े दिए जा रहे हैं वो आम कश्मीरी उससे सहमत दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि बड़े पैमाने पे जब इन कश्मीरी पंडितों को वापस लाना है तो इनके लिए बड़े पैमाने पे उपाय करने, बड़े पैमाने पे कोशिश करिए। इनका सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है, इनके घर वगैरह जल चुके हैं, इनको रहने के लिए जगह नहीं है, तो जिस तरह आना है तो कोशिश बड़े पैमाने, जिस तरह जमीन वापस देने की बात की गई, साफ जाहिर है सरकार ने बताया है, ऑनरेबल ये जो पार्लियामेंट का जो राज्यसभा का कोर्ट है उसमें ये बताया गया है। लेकिन एक चीज से माननी पड़ेगी कि अभी और बहुत कुछ करना है, अभी इतने से ही कहना पल्ला झाड़ा नहीं जा सकता है। जरूरत है इस वक्त कश्मीर में पंडितों की वापसी की, और इसके लिए जो कश्मीर के मुसलमान है वो भी बराबर का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सारे के बीच में सबसे बड़ा सपोर्ट सरकार का चाहिए, और सरकार आम लोगों की अगर मानने में कश्मीर के आम लोगों की, जो मुसलमान यहाँ के, वो इससे सहमत नहीं, वो कहते हैं कि प्रयास करें तो बड़े पैमाने पे कर दे, सियासत नहीं करनी है, वोट बैंक सियासत नहीं करनी है, यहाँ लाने के लिए जो प्रैक्टिकल जो पूछे वो करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन सनम एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर कश्मीरी पंडितों का ज्यादा जिक्र हो रहा है, और सदन के अंदर ही नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी ज्यादा जिक्र हो रहा है। जम्मू की मैं बात करूं, बीजेपी हो या फिर पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती साहिबा पहुंची थी, वो भी ज्यादातर जिक्र इसका कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है और ये कहा जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों का जिक्र हो सकता है। क्या हम कहें कि आगे आने वाले समय में चुनाव है, विधानसभा कहा जाता है, परिसीमन आयोग अपना पूरा लगभग काम कर चुका है, आपत्तियां भी दर्ज की गई हैं जो सुना गया है, तो क्या ये उन सब के लिए तैयारी हो रही है हर एक रीजनल पार्टी की? उमर अब्दुल्ला साहब को हम देख रहे हैं एक्टिव है, महबूबा मुफ्ती एक्टिव है, रविंद्र रैना साहब एक्टिव है, तो आगे की तैयारी हम इसे कहें क्या? देखिये, चुनाव पे अभी भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बहुत सी तरह की यहाँ पे सवाल अभी भी चुनाव पे, और ये भी कुछ क्वार्टर से भी बता रहे कि अभी यहाँ पे शायद चुनाव के लिए सरकार तैयार नहीं है, लेकिन क्या तैयारी कर रही है? अगर इन सभी पंडित बरादरी की वापसी को साथ लेके माना जाए तो इनको चुनाव के साथ कहीं पे भी कोई जोड़ के देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ के हैं, यहाँ पे रहते आए हैं, यहाँ के मुसलमान उसकी बात की जाए वो कहते हैं कि हम पंडितों के बगैर अगर इनकम्प्लीट है, और अगर पंडितों से भी पूछा जाए, पंडित बरादरी जो कश्मीर की है उनसे भी पूछा जाए तो वो भी कहते हैं कि हमें वो अपनी वादियां, अपने वो खूबसूरत घर, चाहे वो कच्चे ही मकान, लेकिन वो जो सुख उन्होंने उन कच्चे मकानों में मिल रहा है वो बड़ी बड़ी हवेलियों में नहीं मिल रहा है। तो ये जो हम कहें कि चुनाव के साथ इसको जोड़ के नहीं देखा जा सकता है, चाहे वो यहाँ की पोलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो दूसरे, कुछ पार्टियां चाहती हैं, कुछ पार्टियां ये भी है कि हमारा देश में अब जो सिचुएशन है उसमें कुछ पार्टियां इस चीज को भी पॉलिटिक्स करना चाहती हैं, लेकिन ओवरऑल न पंडित न मुसलमान इस चीज को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ना चाहता है, क्योंकि नुकसान पंडित के जाने से यहाँ मुसलमान का भी नुकसान हुआ है, जितना नुकसान पंडित को अपनी पत्नी छोड़ के यहाँ से जाके हुआ है उससे ज्यादा नुकसान कश्मीर के मुसलमान को हुआ है, वो भाईचारे का नुकसान हो, वो शिक्षा का नुकसान हो, ये दो बड़े नुकसान है जो कश्मीरी जेल रहा है पंडितों के यहाँ से जाने के बाद। ठीक है सनम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल हमारे सीनियर साथी आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस वक्त क्या जमीनी हालात हैं और सदन के अंदर क्या कुछ कहा गया वो हमने आपको सुनवाया है।